So how are you all? So today we are going to learn about good touch and bad touch through a skit. आज हम good touch और bad touch के बारे में सीखने वाले हैं skit के through, which is prepared by our dear teachers. और ये किसके द्वारा बनाई गई है? हमारे teachers and students के द्वारा. ठीक है? So पहले ये बताओ what is good touch and bad touch. गुड टच क्या होता है एंड बैड टच क्या होता है? अच्छा टच एंड बुरा टच, इसको कोई एक्सप्लेन करेगा? नहीं. ओके, सो गुड टच इज व्हेन वी फील वार्म, सेफ एंड प्रोटेक्टेड व्हेन समवन टचस. कोई अगर हमें टच कर रहा है और हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो क्या होता है? एंड एट द सेकेंड थिंग, एट द सेकेंड टाइम, अगर हमें कोई टच कर रहा है और हमें बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, बहुत ही गंदा सा फील हो रहा है ना, तो क्या होता है? टच कर रहा तब तो हमें अनकंफर्टेबल फील हो ही रहा है, उसके बाद में टाइम चेंज होता रहता है, टाइम जाता रहता है, फिर भी हमें ना उस टच से बोदर फील होता है, मतलब डिस्टर्ब फील होता है, तो दैट इज बैड टच. ओके, सो वेलकम टू आर टीचर्स हु हैड प्रिपेयर्ड स्किट फॉर अस. अरे आ गए बेटा स्कूल से? हाँ. कैसा रहा स्कूल का दिन? बहुत अच्छा. अच्छा ठीक है बेटा, आप अपना बैग उतारो और चेंज करो, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ. लो बेटा खाना लो, अपना खाना फिनिश करो, उसके बाद आपको होमवर्क करना है. खाना फिनिश हो गया कृति? ठीक है, हैंड वॉश करो. बैग लो बेटा, अपना होमवर्क कंप्लीट करो. नमस्कार. नमस्कार, कैसे हो? बस ठीक है. आप कैसे हो? बढ़िया. आपकी बेटी है? हाँ बेटी है. कृति अंकल आए बेटा, अंकल को नमस्ते करो, प्रणाम करो. बेटी बड़ी हो गई है? बिल्कुल. कौन सी क्लास में पढ़ती बेटी? और नाम क्या है आपका? ओके, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, आप दो मिनट रुकिए. और बेटा स्कूल जा रही हो? बेटा स्कूल जा रही हो? क्या हो गया बेटा, इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो रही हो? हाँ बेटा और खबर ठीक है आपका? सब बिल्कुल ठीक है. आप बताइए घर पे कैसे हैं सब लोग? घर पे सब ठीक है. आपके साथ? ठीक है. मैं अभी आती रहूँगी, जा रही हूँ अभी. ठीक है, बाय बाय. स्कूल के लिए कृति रेडी हो गई स्कूल के लिए बेटा? आओ आपको स्कूल वैन तक छोड़ के आती हूँ. आप कहाँ जा रही हो? कृति को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं. आइए कृति, अंकल के साथ चले जाओ बेटा. अरे आ जाओ. ठीक है. चॉकलेट खा लो. रुको बेटा, चॉकलेट खा लो. क्या होगी बेटा? ठीक है मैं आता रहूंगा. ठीक है. कमिंग, प्लीज टेक योर सीट.
अब सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क चेक करवाएंगे। ध्रुविका अपनी नोटबुक लेकर आओ। कम कर दो इसके बाद यार विक्रम जी, आप भी ना और कम कर दो थोड़ी सी। हेलो कीर्ति की मम्मा बात कर रहे हो? मैम ये कीर्ति का बिहेव काफी दिन से थोड़ा अजीब सा है, मतलब वो होमवर्क भी नहीं करके लेके आ रही, बच्चों के साथ घुलती मिलती भी नहीं है, बातें भी काफ़ी कम कर रही है, तो कुछ घर पे हुआ है या उसकी तबीयत खराब है? तबीयत तो ठीक है, घर पे भी ऐसी कुछ बात नहीं है, बाकी मैं देखती हूँ, आज बात करती हूँ, स्कूल से आती है। यस मैम, आप थोड़ा नोट कीजिए और बच्चे से पूछने की कोशिश कीजिए अगर कुछ बता पाए तो। ओके मैम। जैसा हमने स्किट में देखा बच्चे के बिहेवियर भी चेंज था एंड टीचर एंड पेरेंट्स दोनों ने उसे फॉर ग्रांटेड लिया, उनको लगा कि बच्चे हैं ऐसा बिहेव करते रहते हैं, तो इट्स नॉट ओके, ये चीज़ें सही नहीं रहती है। अगर हम लोग थोड़ा सा एक स्लाइटेस्ट चेंज भी अगर अपने बच्चों के बिहेवियर में देख रहे हैं, वी शुड गेट टू नो अबाउट इट, हमें उस चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए कि इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है। एंड इन द स्किट लेट्स सी आगे क्या होता है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। ओके देन आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन रहेगा गुड टच और बैड टच, ठीक है? तो मैं समझाऊंगी कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। गुड टच क्या होता है? वो टच, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। और टच का मतलब क्या होता है? जब आपको कोई टच करता है, स्पर्श करता है यानी छूता है। तो गुड टच का क्या मतलब है? जब भी आपको कोई छूता है और आपको क्या हो, अच्छा फील हो, सपोर्टिव फील हो, मतलब प्यार का एहसास हो, तो वो क्या होता है? अच्छा टच होता है। जैसे आपकी मम्मा आपको हग करती है और आपके पापा, आपके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स आपको किस करते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ आप हैंडशेक करते हो, तो वो भी क्या है? गुड टच है। लेकिन दूसरी साइड बैड टच क्या होता है? बैड टच में क्या होता है कि जब भी आपको कोई ऐसा टच जिसके छूने से आपको क्या हो, मतलब अनकंफर्टेबल फील हो, फियर सा महसूस हो, बोधर्ड फील हो, तो वो क्या हो गया? वो बैड टच होता है, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई अनजान व्यक्ति है, वो आपको क्या करे, आपके चीक्स पर, नेक पर, ये चेस्ट पर, हिप्स पर, यहाँ से अगर कोई टच करे तो वो क्या होता है? बैड टच होता है, ठीक है? और जब भी आप ऐसा कुछ फेस करते हो तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहले तो ट्राई करो कि नो बोलो, जोर से चिल्लाओ, ठीक है? अगर नहीं चिल्ला सकते तो उसके बाद क्या करो, वहाँ से भागने की कोशिश करो, भाग नहीं सकते तो एटलीस्ट बाद में अपने जाके अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है? ऐसी चीज़ें कभी भी पेरेंट्स से नहीं छुपानी चाहिए। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ गलत हुआ है या आपने किसी को, मतलब आपको बोदर फील हो रहा है, तो आपको क्या करना है? पेरेंट्स को बताना होता है और आगे इसकी फिर पुलिस कंप्लेन होती है, देन फिर आगे पुलिस कार्रवाई करती है, ठीक है? अभी सबको समझ में आया? सबको समझ आ गया, ठीक है? तो आप में से एक बच्चा उठ के मुझे बताएगा कि कितना समझ में आया। मैं आपसे पूछती हूँ, ध्रुविका कम है? मैं आपको गुड टच और बैड टच दोनों टच आपको करूँगी और आपको पहचान करनी है कि कौन से वाला गुड टच है और कौन से वाला बैड टच है। टेबल उठा करो, टेबल उठा करो, टेबल पर, टेबल उठा कर लो। और आपको क्या करना है, जब भी आपको गुड टच होगा आप क्या करोगे? थम्स अप शो करोगे और यस बोलोगे, ठीक है? और जब आपको क्या हो, बैड टच फील होगा, तब आप क्यों करोगे? नो करोगे और मेरे हाथ को दूर हटा दोगे, ठीक है?
आगे जो मैम, आगे जो ठीक है। देन फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट गुट्टा।